जाना मंदिर दूर है यहाँ से, कितना दूर है? कोई नहीं, वॉक करके चले जाएंगे अपने घर से, सीधा जाके राइट हो जाओ। नहीं तो आप आगे से छोड़ सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए पाजी ने, थैंक यू अंकल जी। तो जी भाई साहब, सत श्री अकाल, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से वॉन्डरिंग टूर पर। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं अमृतसर की गलियों में, और ये पीछे की तरफ एक मंडी टाइप, यहाँ पर फल सब्जी और की मंडी है। ये है भाई साहब अमृतसर की गलियाँ। अभी हम लोग की प्रॉब्लम, आप किसी भी सिटी में कहीं भी चले जाइए हमेशा ही रहेगी। दिस आर द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर। सो वॉक करते हुए जा रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ दुर्गाना मंदिर की तरफ सिटी वॉक करते हुए। कहते हैं हेरिटेज वॉक भी है यहाँ पे, तो रियल हेरिटेज वॉक यही है जब आप लोकल स्ट्रीट्स में घूमते हैं। सत श्री अकाल। अगर आप किसी सिटी को जानना चाहते हैं, उसकी रूह को, उसके कल्चर को, तो वहाँ के लोकल स्ट्रीट्स में घूमिए, लोकल गलियों में आपको वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज, ये चीज़ें मिलेंगी। तो अभी लगभग 2 किलोमीटर की वॉक है, 2 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। सो उसके बाद में करेंगे दर्शन। तो जी भाई साहब, ये है असली मज़ा सिटीज में घूमने का। मंदिर जाके आ गया कल। जाना मंदिर दूर है यहाँ से, कितना दूर है? कोई नहीं, वॉक करके चले जाएंगे अपने घर से, सीधा जाके राइट हो जाओ। नहीं तो आप आगे से छोड़ सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए पाजी ने, थैंक यू अंकल जी। सो थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट मिल चुकी है, वैसे वॉक करके जा रहे थे, बट अंकल जी ने कहा कि छोड़ देता हूँ आपको। तो ये भाई साहब अमृतसर की गलियां, और अमृतसर के लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं भाई साहब। अभी जाते हैं दुर्गाना मंदिर और करते हैं दर्शन। आपका क्या नाम है अंकल जी? हर्ष कुमार। हाँ, हर्ष। हर्ष, तो हर्ष जी ने लिफ्ट दी है यहाँ पे। तो अगर आपको रियल कल्चर को जानना है किसी सिटी के अंदर, तो आप जाइए वहाँ की गलियों में, वहाँ की लोकल स्ट्रीट्स में, वहाँ के लोकल फूड को ट्राई कीजिए, लोकल लोगों से मिलिए, तभी आप उस सिटी को सही से समझ पाओगे। इधर से आप सीधा हो जाओ, फिर राइट हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद अंकल जी। तो लगभग 5 मिनट की लिफ्ट मिल गई, और अभी उन्होंने बताया सीधा जाके राइट जाके। ठीक है, कोई नहीं, वॉक करते करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी ऑटो भी ले सकता था, बट टैक्सी ऑटो से वो मज़ा नहीं आएगा, वो लोकल गलियों में घूमने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चल रही है सेवा की तैयारी। सत श्री अकाल। नहीं, कुछ दुकान का सामान और लग रहा है। ये भाई साहब, वैसे मैं अभी बस अड्डे जाके आया था, पूछ के आया था, क्योंकि मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ बठिंडा, और वहाँ से मेरी ट्रेन है। यहाँ पर ट्रेन डायरेक्ट मिली नहीं अमृतसर से, ट्रेन से आया ज़रूर था, डायरेक्ट ट्रेन थी, बट जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो बस से जाएंगे बठिंडा, और बठिंडा से फिर जाएंगे ट्रेन से बीकानेर। तो वहाँ पर इंक्वायरी करके आया, और अभी काफ़ी टाइम है, बस आधे घंटे में चलती रहती है। और बठिंडा से ट्रेन है रात को 9:30 बजे, और बस से बठिंडा तक पहुँचने में लगभग 3-4 घंटे लगेंगे। तो 5-6 घंटे पहले निकल जाएंगे यहाँ से, लगभग 3-4 बजे रवाना हो जाएंगे, बठिंडा 7-8 बजे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से पकड़ लेंगे ट्रेन। तो जब तक टाइम है,
बस स्टैंड पे बैठ के टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि अपने घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आसपास की जगह। ऐसा मार्केट बंद सा क्यों लग रहा है? ये दुकानें बंद है, कोई रीज़न होगा या किराए पे चढ़ी नहीं होगी? या अभी 12 बजे लेट खोलते होंगे। काफ़ी साफ़ सुथरी गलियाँ, काफ़ी साफ़ सफाई है सिटी में, काफ़ी वेल मेंटेन्ड सिटी है, काफ़ी शानदार मेंटेन किया हुआ है। ये जो ये चीज़ काफ़ी शानदार लगी, पीछे जो बोर्ड लगे हुए हैं सारे एक जैसे, एक ही डिज़ाइनिंग के सरकारी बोर्ड होते हैं, उस तरह के बोर्ड। ये बंदा कर क्या रहा है? बढ़िया है, अटेंशन दे रहे हैं लोगों को, लोग देख रहे हैं कर क्या रहा है ये। लेकिन अभी नॉर्मल चीज़ें हैं लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी आजकल ब्लॉगर्स काफ़ी हैं, ब्लॉगिंग और करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर काफ़ी हैं, तो लोग देखते हैं। अभी यूज़ टू हो गए, इतना नहीं है। पहले के टाइम में थोड़ा ऐसा ही होता था, ये क्या कर रहा है? अभी हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता, वो देखते हैं फिर क्या कर रहा है। बाकी ज़्यादातर यूज़ टू ही हैं और अच्छे से हेलो हाय वेलकमिंग करते हैं। चल रहे हैं, मैप मैंने देखा नहीं, मैप में देखते हैं कितना दूर है। ओ जी भाई जी, ये बात आधा रास्ता तय हुआ है, आधा बाकी है। आधा रास्ता कर लिया है तय, थोड़ा सा और फिर आगे से लेफ्ट। वैसा मेन रोड से भी रास्ता था उधर जाने का, लेकिन उधर से मैं नहीं गया क्योंकि मेन रोड से फिर किया मतलब नहीं है। अंदर की गलियों से जाएंगे तो ही बात बनेगी, अंदर की गलियों से ही रियल अमृतसर के दर्शन होंगे, तो वही बात है। यहाँ पर नॉर्मली रिक्शे चलते हैं, ई रिक्शा भी चलता है, वो साइकिल पेडल मारने वाला रिक्शा भी चलता है, और ऐसे ऑटो भी चलते हैं। तीन तरह के ऑटो है, टैक्सी है कह सकते हैं। अभी वो साइकिल वाला वो कम हो गया, काफ़ी कम, इतना नहीं है। ज़्यादातर अभी ई रिक्शा है, ज़्यादातर ई रिक्शा ही देखे मैंने चलते हुए। मार्केट शॉप तो आपको दुर्गाना मंदिर है तो जी, सीधा दुर्गाना मंदिर है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ आगे थोड़े से आगे, पूछा ना इनको, पूछ लिया बस आगे फिर, और बढ़िया, ठीक है जी। तो वैसा थोड़ा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ा सा आगे है दुर्गाना मंदिर। मंगली बता रहे कि आगे जाके लेफ्ट ले लेना, तो लेफ्ट लेते हैं और पहुँचते हैं दुर्गाना मंदिर। और जी बढ़िया, आगे आ गई है, आगे आ गई मेन रोड। मेन रोड से लेंगे लेफ्ट, बोर्ड उल्टा पड़ा है इस तरफ। ये जी बाप, अभी दुर्गाना मंदिर सीधा, पहला घूम चक्कर आएगा फिर उससे राइट की तरफ। थकान रत्ती भर भी नहीं भाई साहब, थकान की कोई बात ही नहीं। तो पहुंच के बताते हैं आपको। क्या नाम है आपका अंकल जी? बंसीलाल जी। तो वैसा बंसीलाल जी के स्टॉल पर आए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए।